दोस्तों क्या आपके फोन में एंड्रॉइड है? अगर आपका जवाब है हाँ तो आपके वीडियो देखकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत सरप्राइज हो जाओगे आप यार क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास एंड्रॉइड नहीं है तो भी जाके देख लो भाई, काफी सरप्राइजिंग चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पूरा मामला हुआ एंड्रॉइड का और कैसे एंड्रॉइड जो है वो बना और काफी कुछ मतलब उतार चढ़ाव हुआ एंड्रॉइड बनाने वाले के फेज में और कैसे सैमसंग ने ऑलमोस्ट इतने बिलियन डॉलर्स की चीज को गवा दिया, सबके बारे में अच्छे से मैं बात करूंगा बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई एंड्रॉइड मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया के हर आदमी जानता होगा, जिसको भी स्मार्टफोन के बारे में नॉलेज है, जो कि मैक्सिमम लोग हैं इस दुनिया में। एंड्रॉयड एक ऐसी चीज़ है जो आज सब जानता है और मैक्सिमम फोन्स, मैक्सिमम मार्केट शेयर अभी एंड्रॉयड के पास में ही है, यानी कि मैक्सिमम मोबाइल फोन्स। और यहाँ पर काफ़ी मतलब 80% स्पेशली चांस है इंडिया में, तो 80 या 90% कि आप जो देख रहे हो वो भी एक एंड्रॉयड डिवाइस में ही मेरी ये वीडियो देख रहे होगे यूट्यूब के ऊपर। तो भाई एंड्रॉयड काफ़ी ज़्यादा मस्त हिस्ट्री है, इसको एक बंदा था उसका नाम था एंडी रूबिन, उस बंदे ने बनाया पूरा इस सॉफ्टवेयर को। ये सॉफ्टवेयर जो है सबसे पहली बात तो बना था डिजिटल कैमरास के लिए, ओरिजिनली जो डिजिटल कैमरास आते थे उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया था, पर उसके बाद इसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा थी कि इसको मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर उतारा गया और काफ़ी सारे जुगाड़ के बाद जो है ये मोबाइल में चलने लगा। एंडी रूबिन जो बंदा था इसको लगा कि हाँ ये काफ़ी मस्त चीज़ है, पर ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल क्या ही कर पाएगा, कितना बड़ा उसके साथ कुछ कर पाएगा, तो उसने जो है कि क्यों ना इसको कोई कंपनी के साथ मिलकर और मस्त सा एक मसाला बनाया जाए। और मतलब क्योंकि वो डिवाइसेज में भी तो जाना जरूरी है सॉफ्टवेयर को, सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को कोई काम का है नहीं। तो भाई जो एंडी रूबिन बंदा था वो सबसे पहले गया था अपने इसी एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर को लेके सैमसंग कंपनी के पास। अभी के टाइम में सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली नंबर वन होगी मेरे ख्याल से भी जो स्मार्टफोन्स बनाती है एंड्रॉइड के ऊपर। उस कंपनी के पास एंड्रॉइड का ओनर खुद चल के गया था कि भाई मेरे साथ काम कर लो, मुझे अपनी कंपनी में रख लो और एंड्रॉइड को अपनी कंपनी का हिस्सा बना लो। आप बिलीव नहीं करोगे सैमसंग ने क्या बोला। सैमसंग के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से लोगों ने बोला कि एंड्रॉयड सीरियसली ये क्या चीज़ है, ये क्या घटिया चीज़ तुमने बनाया है, अगर तुम्हें पता भी है कि ये कुछ चलेगा नहीं इसका, और अगर चल भी गया तो ये बहुत ही कोई रेयर चांस होगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ये एंड्रॉयड जैसी चीज़ कभी भी फ्यूचर में चल पाए। काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली निराश हो गया ये एंडी रूबिन बंदा जिसने एंड्रॉयड बनाया। उसके बाद इसको लगा कि ठीक है चलो सैमसंग ने रिफ्यूज़ कर दिया मुझे, हार नहीं मानी बंदे ने, ये गया फिर गूगल के पास। गूगल लिटरली टैलेंट को इतना सही से पहचाना गूगल ने, उसने ना ही सिर्फ एंड्रॉयड को अपनाया बल्कि जो एंडी रूबिन था उसको सॉफ्टवेयर और ये जो मोबाइल डेवलपमेंट है उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था सीधा। और भाई वहाँ से मतलब पूरा सब कुछ चेंज हो गया गूगल ने, और फिर ऑब्वियसली इसको हेल्प किया, पूरी एक टीम दी और टीम ने और ज़्यादा रिफाइनमेंट्स लाई इसको मोबाइल में अच्छे से चलाने के लिए। सारे रिफाइनमेंट्स एंड ऑल के बाद आज आप जानते हो कि एंड्रॉयड किस लेवल पे है। वो अलग बात है कि बाद में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, पर भाई ये एक शॉर्ट स्टोरी है एंड्रॉयड के बारे में कि कैसे एंड्रॉयड ऑलमोस्ट सैमसंग का होने वाला था, यानी ये गूगल नहीं होता, पावर्ड बाई गूगल जो नीचे लिखा होता है पावर्ड बाई एंड्रॉयड, वो गूगल का नहीं होता, वो होता सैमसंग का, और सारी टेक्नोलॉजीज और टीम लगी होती है सैमसंग की। और सबसे मस्त फन फैक्ट बताऊं तो सैमसंग को हर डिवाइस पे कुछ पैसे देने होते गूगल को, इनफैक्ट हर एंड्रॉयड कंपनी को कुछ पैसे देने होते गूगल को वो एंड्रॉयड का लाइसेंस खरीदने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग ओपन सोर्स वाला सिर्फ यूज नहीं करते हैं हुआवे की तरह, बल्कि वो लोग एक लाइसेंस्ड वर्जन यूज करते हैं जिसके उनको पैसे देने पड़ते हैं गूगल के। तो आप सोचो एक तरीके से सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को सैमसंग ने ऐसे ही टाटा बाय बाय बोल दिया, और ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो लोग अभी काइंड ऑफ एक लॉस बोल सकते हो उठा रहे हैं। काश उस टाइम वो लोग ने ले लिया होता उस एंड्रॉयड वाले बंदे को, तो आज सैमसंग जिस लेवल पे है वो और भी ऊपर होता, क्योंकि भाई जैसा हम जानते हैं गूगल उतने अच्छे फोन्स बना नहीं पा रहा है एंड्रॉयड के, एक पिक्सल कभी भी स्पेशली इंडिया में तो आज तक कोई हिट हुआ नहीं पिक्सल का एक भी फ़ोन, पर सैमसंग के हाथ में अगर एंड्रॉयड होता तो सोचो क्या होता। मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, अगर सैमसंग के पास एंड्रॉयड अभी होता ओनरशिप तो सैमसंग उसके साथ क्या कर रहा होता और क्या चेंज दिखता हमें एंड्रॉइड मार्केट में, जो कि अभी शायद गूगल उतना नहीं कर पा रहा है। पर जो भी है भाई, ऑल इन ऑल गूगल ने भी काफी मस्त काम किया है पूरे एंड्रॉइड को इंप्रूव करने के लिए दिन पे दिन, अभी प्राइवेसी अपडेट्स आ रहे हैं, कैमरा के साथ तो लोग ने बहुत ही गजब काम किया है, क्योंकि गूगल ऑब्वियसली अपने सॉफ्टवेयर के लिए ही जाना जाता है, वही उसका फोर्टे है, यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट गूगल का वही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। तो एक तरीके से अच्छी बात ही है, जो होना था हो गया, अल्टीमेटली अभी एंड्रॉइड का ओनरशिप गूगल के पास है और काफ़ी मस्त स्टोरी है यार। तो इसीलिए मतलब
कभी भी ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कुछ स्टोरी हुआ था व्हाट्सएप वाले बंदे के साथ भी, कि वो फेसबुक में पहले जॉब लेने गया था पर अल्टीमेटली वो उसको रिजेक्ट हो गया, बेसिकली फेसबुक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो जाके उसने व्हाट्सएप बना लिया, फिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को ही लगभग $19 बिलियन में खरीदा था। भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल हो रही है वीडियो, पर समझ रहे हो मतलब एंड्रॉयड का ये हिस्ट्री पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि जो चीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसका कहाँ से कहाँ अभी है। और वही है, आपका क्या कहना है ये सब के बारे में नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। और ये छोटा सा फन फैक्ट, छोटी सी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा नीचे सब मुझे कमेंट करके बता दो। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख ही रहे हो तो बिना लाइक किए मत जाना भाई, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो दबा दो सब्सक्राइब बटन को, उसके बगल में दबा दो नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसी के साथ इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में।